घर में लगातार टेस्ट सीरीज हारने और पीसीबी के अंदर चल रही राजनीति के चलते पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट की काफी फजीहत हो चुकी है। इन सब के अलावा पिच को लेकर भी पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों में कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बावजूद इसके पीसीबी मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर पिच को लेकर पाकिस्तान की पूरे विश्व के सामने किरकिरी हुई। मामला है कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए दूसरे टेस्ट मैच का, जहां पिच पर एक बार फिर सवाल उठे। पिच पर पांचों दिन जमकर रन बरसे। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने तो कराची की पिच को रोड बता दिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मिचेल मैक्लैनिगन ने कराची पिच की फोटो ट्वीट करते हुए उसे रोड करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, क्या कमाल की रोड है, बल्लेबाजों का सपना। मैक्लैनिगन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि कराची की पिच सच में काफी फ्लैट दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लेथम और डेवन कॉनवे को इस पिच पर कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दोनों ने पहले विकेट के लिए एक बार फिर शतकीय साझेदारी करते हुए 134 रन जोड़े। बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच भी कराची में ही खेला गया था, जहां पाकिस्तान ने पहली पारी में 438 तो वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 612 रन बना डाले। वहीं दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 311 रन ठोक दिए थे। इसी के चलते पाकिस्तान का लगातार मजाक बन रहा है। पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट मैच की पिच भी काफी पाटा है। पिच का मजाक बनाते हुए आइसलैंड क्रिकेट ने भी ट्वीट किया। उन्होंने पीसीबी को सलाह दी कि वो अब इस रोड जैसे पिच पर टोल टैक्स वसूल करना शुरू कर दें। बता दें कि कराची में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में डेवन कॉनवे ने शानदार शतक ठोका। पिछले मैच में ये खिलाड़ी शतक लगाने का मौका चूक गया था और 92 रन पर वो आउट हो गया था, लेकिन कॉनवे ने इस बार अपना मौका नहीं गंवाया। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान को पिच के लिए शर्मसार होना पड़ा। इसके पहले भी आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी पाटा पिच के लिए कई बार लताड़ा है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।